और एक बार फिर बीजेपी विधायक अपने ही सरकार पर भड़ास निकालते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते नहीं चेता गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। शनिवार को मधुबनी की बिस्फी विधानसभा के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अफसरशाही का आरोप लगाते हुए बिहार सरकार को चेताते हुए कहा है कि राज्य में डाकूशाही चल रही है, अगर समय रहते सरकार नहीं चेतेगी तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मीडिया से बात करते हुए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा है कि जमीन के एक विवाद में उनके परिचित ने मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना प्रभारी को फोन किया। एक्शन लेने की जगह थाना प्रभारी ने पैसे ले लिए। जानकारी जब विधायक को मिली तो उन्होंने शिकायत के लिए एसपी को फोन किया। बचौल ने कहा कि फोन करने पर कार्रवाई की बजाय एसपी उल्टा उन्हें उपदेश देने लगे। इसी बात पर भाजपा विधायक भड़क गए। बिस्फी विधायक बचौल ने कहा कि बिहार में सीओ से लेकर बीडीओ तक लूटने में लगे हैं, राज्य में अफसरशाही नहीं डाकूशाही चल रही है। सरकारी अधिकारी आम लोगों के साथ ही मंत्री और विधायकों को लूट रहे हैं, प्रखंड से लेकर ब्लॉक स्तर तक बहुत बुरी स्थिति है। हमारी बातों को अब अफसर नहीं सुनते। बचौल ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि समय रहते सुधर जाए, अन्यथा परिणाम बेहतर नहीं होगा। हथौड़ी थाना प्रभारी पैसा ले लिया, मामला है जमीन का, विवाद हो रहा है तो वहाँ जाकर के एक्शन लेना चाहिए। एक्शन नहीं ले रहा है, हम ही को उपदेश दे रहा है, आप लोग ऐसे ही करते रहते हैं नेता है। उतरा तो हम ही किए थे फोन, हम ही किए थे फोन, तो हम कहें 7 साल के बाद इसी समाज में जाइएगा। अभी ना एसपी हैं आप, लॉलेसनेस है एकदम। सदन में उठाएगा, अब सदन में तो आज नहीं उठेगा, वो लिख करके देना पड़ता है। लगता है कि अधिकारी जो है वो विधायक के साथ नहीं सुन रहे। विधायक की बात नहीं है, थाना और मैंने कई बार कहा है और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि नीचे स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है। थाना सीओ बीडीओ सरकारी कर्मचारी लूटने के सिवा कोई जनता का काम नहीं कर रहा है। इस बात के लिए अफसरशाही तो छोटी चीज है महाराज, अफसरशाही नहीं डाकूशाही हो गया है। सरकारी पदाधिकारी लूटने के सिवा कोई काम जनता का नहीं कर रहा है। सरकार से क्या होता है, सरकार से महाराज। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम भोगते हैं, हम ही लोग ऐसे मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री एमएलए से बनता है। अच्छा क्या हुआ था, क्या परेशानी हो गई? जमीन का विवाद है, मैंने परसों हथौड़ी थाना को फोन किया, हथौड़ी थाना हमारे कुटुंब से जाकर पैसा भी ले लिया, वहाँ गया भी नहीं। एसपी साहब मुजफ्फरपुर को हम फोन किए हैं, जिनका नंबर है अभी तुरंत किए हैं एसपी साहब को, तो हमको उपदेश दे रहे हैं। आप लोग लिटिगेंट लगाते हैं, हम ही लोग लिटिगेंट लगाते हैं। क्या हो रहा है बिहार में, क्या स्थिति है? बिहार में जमीन स्तर पर, प्रखंड और ब्लॉक स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है और इस पर चेते भारतीय जनता पार्टी भी चेते और जदयू भी चेते, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सरकार है तो सरकार हम ही बोल रहे हैं ना, सरकार है, सरकार तो लोक और तंत्र है, लोक के प्रतिनिधि सरकार है, तंत्र भ्रष्ट है, तो सरकार आपकी निश्चित नहीं सुनी जाती है। बिहार में अफसरशाही हावी है तो ये आपको कह रहे हैं तो क्या लग रहा है, अफसरशाही हावी नहीं है, अफसरशाही लूट रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।